उचित पढ़ाई करके ट्रेनिंग कर करके लोग यही उम्मीद करता है कि भाई उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें। आने वाले समय में प्रत्यय अमृत जी ने आपको सारी बात तो बता दी, स्वास्थ्य विभागी अकेले 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बिहार के युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, जो काम अब पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर युवाओं को नियुक्ति पत्र थमाया है, और इसी दौरान तेजस्वी यादव जब मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप वो सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से लगभग कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, और आज जिनको मिलना है बाकी लगभग 10,000 के लगभग लोग जो हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। उन सभी लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं और ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपके आने से हमारा विभाग में अस्पतालों की व्यवस्था और मजबूत होगी, बेहतर होगी, और आप दिल लगा करके, मन लगा करके मरीजों का सेवा करेंगे। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है, और इससे बड़ा दिवाली का क्या तोहफा हो सकता है आप सब लोगों के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देने का काम किया है। नौकरी देने का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं। आप लोग कोई एएनएम किया हुआ है, कुछ एएनएम किया हुआ है, कोई लैब टेक्नीशियंस हैं, उचित पढ़ाई करके ट्रेनिंग कर करके लोग यही उम्मीद करता है कि भाई उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। और हमारी सरकार ने लगभग हर विभागों में, हमारी नई जो महागठबंधन की सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों का प्रयास है कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, एक देश को रास्ता दिखाने का काम करें। और हमारी नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी 2 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और लगातार हजारों के संख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में प्रत्यय अमृत जी ने आपको सारी बात तो बता दी, स्वास्थ्य विभागी अकेले 1.5 लाख नौकरी देने जा रहा है। आप समझ जाइए कितनी बड़ी बात है, कोई कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से काम होगा। तो सुना आपने, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उसी बात को दोहरा रहे हैं जिस बात को वो सरकार में नहीं रहते हुए कहते आ रहे थे। और उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट भी किया था, आपने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, कि जब अपनी कही हुई बातों को, अपने किए हुए वादों को जब पूरा किया जाता है, दिल से कही हुई बातों को जब पूरा होते देखते हैं तो अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव ने यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र तो थमाया है, साथ ही ऐलान भी कर दिया है तेजस्वी यादव ने मन से कि स्वास्थ्य विभाग में ही 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जितने भी खाली पड़े पद हैं उन सभी पदों को, यानी कि जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरने के भी तेजस्वी यादव ने कहा है, मन से ऐलान किया है। और बिहार के युवाओं के लिए आने वाले दिनों में गुड न्यूज लेकर तेजस्वी यादव आने वाले हैं, ये बात भी उन्होंने इशारों इशारों में समझा दिया है। और बिहार में क्या कुछ करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर, युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के, वो प्लान भी बताया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।